Hello students, in previous classes we have discussed about the some important terms of equilibrium constant like partial pressure. Partial pressure में हम लोगों ने देखा था कि partial pressure होता क्या है, किसी भी element या compound का जो sorry किसी भी gas का जो अपना खुद का pressure होता है, जो कोई gas अगर किसी container पर खुद का pressure जो exert करता है उसको हम क्या कह देते हैं, पार्शियल प्रेशर कह देते हैं। जैसे हम लोगों ने उसमें देखा था कि कोई एक कंटेनर है हमारे पास और उसमें तीन गैसेस हैं लाइक ए बी एंड सी। ए हैज टू मोल्स, टू एटीएम प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, बी थ्री एटीएम कर रहा है एंड सी इज फाइव एटीएम। देन वी कैन से दैट ए गैस ए द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इज 2 atm, partial pressure of gas B is 3 atm and partial pressure of gas C is 5 atm, in which we have dealt about the total pressure exerted by these gases A plus B plus C, partial pressure of A plus partial pressure of B plus partial pressure of C, and we get 10 atm in this case. Okay, we have also discussed about the application of equilibrium constant like Kp and Kc. उसमें हम लोगों ने देखा था कि Kp और Kc के की वैल्यू से हम ये बता सकते हैं कि कोई भी रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्शन फिजिबल होगा नहीं होगा, कितना फिजिबल होगा, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। Kp is greater than 10 to the power 3, Kp is less than 10 to the power 3 and Kp is equal to 10 to the power 3 means what? Approximately means range will be 10 to the power minus 3 to 10 to the power 3. ये हम लोगों ने discuss किया था। Today we are going to discuss about some extra topic which is most important for us, which gives the information about the predicting the direction of reaction. Predicting the direction of reaction means किस direction में कोई reaction feasible होगा, को किस direction में वो reaction feasible नहीं होगा, और ऐसा होगा तो क्यों होगा, चलिए देखते हैं। Okay? Our topic is predicting the direction of what? Reaction. Predicting the direction of reaction. पहले हम लोग लिख लेते हैं फिर हम उसको समझते हैं. Okay? तो कहता है कि कोई भी reaction कब predict होगा? Reaction, इसके लिए हमें जो चाहिए वो होता है reaction quotient. रिएक्शन कोसेंट, आप समझो रिएक्शन कोसेंट होता क्या है। रिएक्शन कोसेंट जिस तरह से हम केसी निकालते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते थे, सेम प्रोसीजर वी हैव टू अप्लाई विथ रिएक्शन कोसेंट। तो ये रिएक्शन कोसेंट का मतलब क्या हुआ, फिर तो केसी से ही काम चल जाना था, लेकिन नहीं होगा। केसी वी कैन कैलकुलेट ऑन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, बट क्यूसी means reaction quotient can be calculated at any stage of the reaction. Okay? तो चलो देखते हैं हम लोग। reaction quotient Q, reaction quotient is indicated by Q is the same way as the equilibrium constant means we can find reaction quotient such as with the procedure of Kp or Kc, means equilibrium constant.
हाउ कैन वी फाइंड द इक्विलिब्रियम कोसेंट, हम कैसे निकालते हैं? सी, इफ वी हैव अ रिएक्शन ए ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी एंड डी, आप केसी कैसे कैलकुलेट करते थे? हाउ अबाउट कैलकुलेट द केसी? इन दिस केस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर इट्स कोफिशिएंट, सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी. सेम प्रोसीजर वी हैव टू अप्लाई व्हेन वी फाइंड क्यू सी, कॉन्सेंट्रेट रिएक्शन कोसेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन कोसेंट ऑफ रिएक्टेंट, वट एवर. कहता है रिएक्शन कोसेंट, रिएक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट, रिएक्शन कोसेंट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन, व्हाइल केसी दैट इज इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड व्हेन रिएक्शन इज एस्टैब्लिश्ड ऑन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट मीन्स व्हाट? केसी. हम केसी कब डिसाइड करेंगे, केसी कब हम निकाल सकते हैं, केसी कब कैलकुलेट कर सकते हैं? व्हेन रिएक्शन इज इन द इन इक्विलिब्रियम. बट क्यूसी कैन बी कैलकुलेटेड ऑन एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन. ओके, लाइक इफ वी हैव टू कैलकुलेट केसी we use this formula. If we have to calculate QC, we use this formula also. Means C to the power concentration of C to the power C into concentration of D to the power D upon concentration of A to the power A and concentration of B to the power B. Is that? देखो, इन्हें calculate करने में कोई problem नहीं है, बस difference आप समझो. डिफरेंस क्या है? केसी अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम कब कैलकुलेट कर सकते हैं? ऑन इक्विलिब्रियम, ऑन इक्विलिब्रियम. और क्यूसी हम कब कैलकुलेट कर सकते हैं? एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन, एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन. तो देखो इसमें होता क्या है, आपके पास एक रिएक्शन दिया होगा, उस रिएक्शन में आपको केसी की वैल्यू दी होगी, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, बैकवर्ड हो रहा है, या फिर ये रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम में है. तो ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए. इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, केसी हमारे पास दिया होगा, क्यूसी कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, उस रिएक्शन का हम क्यूसी सेम प्रोसीजर से कैलकुलेट करेंगे. After calculating QC, we can decide easily that reaction is proceed in forward direction, or reaction is proceed in backward direction, or reaction is in the equilibrium state. तो चलो इसके आगे हम लोग देखते हैं, तब तक आप इसको जल्दी से कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. So, what we have to do now, we have to find the direction of reaction. How can we find? चलो देखते हैं. इसके लिए कुछ conditions हैं. तो condition क्या है? First condition, if
value of QC is less than KC. Value of QC is less than KC. Then reaction is proceed in forward direction. If given, KC is given और QC is given, इन दोनों में से कोई भी एक अगर हमारे पास दिया हुआ है किसी भी रिएक्शन का, किसी भी रिवर्सेबल रिएक्शन का, नॉट इरिवर्सेबल रिएक्शन, QC और KC, इन दोनों में से कोई भी एक हमें अगर दिया हुआ है, then we can find out next component. Like if QC is given, we calculate KC. If KC is given, we calculate QC. And after that, we compare QC with KC. If QC is less than KC, then reaction is proceeding forward direction. Reaction is proceeding forward direction. Okay. Second point कहता है, if value of QC is greater than KC. If value of QC is greater than KC, then बताओ क्या होगा? बिल्कुल सही. Reaction is proceed reaction will be proceed in what? Backward direction. And third condition tells us that if value of QC is equal to KC, QC and KC both are on equal position, means अगर इन दोनों की value क्या आ जाती है same, तो क्या होगा? Reaction will be on equilibrium state. Okay. ये तीन जो हमारे पास कंडीशंस हैं, इन तीन कंडीशंस को आप लोग याद रखोगे, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन करते हैं जो हमारे पास है. सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है और बहुत ज्यादा आपको सिंपल में, हाँ सिंपल ही है. क्वेश्चन क्या है देखो, the equilibrium constant equilibrium the equilibrium constant at 298 Kelvin. For the reaction in a state of equilibrium is reaction क्या है? Reaction है copper solid plus 2Ag plus aqua is with the equilibrium Cu2 plus aqua plus 2Ag solid.
और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, इज 2.0 × 10⁻¹⁵। ओके, इन सोल्यूशन कॉपर हैज 1.8 × 10⁻²⁺ मोल पर लीटर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इज 3.0 × 10⁻¹⁹ मोल पर लीटर। अब क्वेश्चन ये है कि इच दिस सिस्टम एट इक्विलिब्रियम क्वेश्चन इज दैट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 298 केल्विन फॉर द रिएक्शन इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज, हमारे पास ये रिएक्शन दिया हुआ है, कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag प्लस गिव्स CO2 प्लस एंड 2Ag। कहता है इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कितना है, 0.2 × 10⁻¹⁵। सॉरी 2.0 × 10⁻¹⁵, नॉट 0.2, 2.0 × 10⁻¹⁵। ओके, कहता है कि इन दिस सॉल्यूशन कॉपर आयंस डिस्प्लेस्ड सम सिल्वर आयंस। कॉपर क्या करता है, कुछ सिल्वर आयन को डिस्प्लेस कर देता है। तो अगर कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 1. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन इज 1.8 × 10⁻²⁺ मोल पर लीटर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन इज 3.0 × 10⁻¹⁹ मोल पर लीटर। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट that this system is at equilibrium or not. For this, what we have to do, first of all we have to find QC. If QC is greater than KC, तो क्या होगा, reaction backward direction में जाएगा। QC अगर क्या होगा, less than KC होगा, तो reaction क्या होगा, forward direction में जाएगा। और बताओ QC अगर इक्वल हो जाएगा KC के, मींस QC अगर आ जाता है 2.0 × 10⁻¹⁵, देन वी कैन से दैट दिस सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। तो आप इस क्वेश्चन को उम्मीद है कॉपी कर लिए होगे, नहीं किए होगे तो पॉज करो और इसे आप कॉपी कर लो। ओके, चलो तो हम सॉल्व करते हैं इसको। डेटा इज गिवन, we can find
सॉल्यूशन। हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन क्या दिया है, Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस व्हाट एक्वा इज इन द इक्विलिब्रियम विथ Cu2 प्लस एक्वा एंड प्लस 2Ag सॉलिड एंड ऑल्सो गिवेन द सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन लाइक Kc इज गिवेन हाउ मच 2 × 10⁻¹⁵. हियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 प्लस आयन CO2 प्लस is given 1.8 × 10⁻². Concentration of Ag plus given 3.0 × 10⁻¹⁹ what mole per liter and this is also mole per liter. ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है, ठीक है, चलो निकालते हैं। केसी तो हमें मालूम है, हमें निकालना है क्यूसी। इसका अगर हम क्यूसी डिसाइड करें, क्यूसी व्हाट वी हैव राइट, वी हैव टू राइट हियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 प्लस अक्वा इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag सॉलिड रेज टू द पावर 2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu सॉलिड इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रेज टू द पावर 2। ओके, अब देखो हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा था कि जो सॉलिड होंगे उनका कॉन्सेंट्रेशन हम क्या मानकर चलते हैं, 1 मानकर चलते हैं या नेग्लिजेबल, हम इसको कंसीडर ही नहीं करते हैं। सॉलिड वाले को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, उसका हमने पढ़ा था कितना होता है, 1 माना था, क्लियर है ना। क्यों, अब इसके आगे हम देखते हैं हमारे पास बचता क्या है। इफ वी डू नॉट कंसीडर Ag सॉलिड एंड Cu सॉलिड देन वी हैव हियर Cu2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस इज इन केस ऑफ अक्वा Ag प्लस रेज टू द पावर 2 एंड बोथ आर इन द कंडीशन विथ अक्वा। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस, वी हैव द वैल्यू ऑफ कॉपर 2 प्लस आयन इज गिवेन 1.8 × 10⁻²⁻ अपॉन Ag प्लस आयन का दिया हुआ है हमारे पास 3.0 × 10⁻¹⁹ एंड वी हैव हियर स्क्वायर। व्हाई, बिकॉज 2 इज इन द पावर ऑफ Ag प्लस। इफ वी कैलकुलेट दिस वैल्यू व्हाट वी गेट हियर, वी हैव 2.0 × 10⁻¹⁵। अब देखो यहां पर हमारे पास QC कितना आ गया, 2.0 × 10⁻¹⁵। इट मींस QC is equal to KC। देखो यहां QC आया 2.0 × 10⁻¹⁵, यहां भी KC कितना है 2.0 × 10⁻¹⁵ है। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, QC is equal to KC, hence reaction means system is in the state of what, equilibrium। Okay, I hope you have understand it easily, copy it and after that we are moving in the direction of some other topic. Okay.
Now we are going to discuss about the relation between reaction quotient, equilibrium constant and Gibbs free energy change. Okay? तो इन तीनों को हम रिलेट करने से पहले कुछ टर्म पर ध्यान देते हैं. हमेशा आप एक चीज हमेशा याद रखना, और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसे आप लोग इग्नोर नहीं करोगे. वो क्या है? जो पॉइंट अभी हम लिखने जा रहे हैं उसे आप याद कर लो, और गिब्स फ्री एनर्जी में जो कुछ हम लोगों ने सीखा है उस पर एक नजर डालेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे रिलेशन की तरफ. ठीक है, तो चलो लिखते हैं. The value of equilibrium constant that is KC for a system does not depend upon the rate of reaction it is related to the molar concentration of the product. Molar concentration of the product and reactant. Okay, species involved in it. आप इस बात को याद रखोगे कि वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट केसी फॉर अ सिस्टम डज नॉट डिपेंड ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन. ये रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करता है. अभी हम लोग ली चैटेलियस पढ़ेंगे तो उसमें कुछ बातें और क्लियर हो जाएंगी, किस तरह से कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, किस तरह से कोई भी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, और कब रिएक्शन मूव ही नहीं करता, मींस इक्विलिब्रियम पर आ जाता है, और इक्विलिब्रियम पर नहीं अब उसके बाद प्रोडक्ट्स बनने या रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होने बंद हो जाते हैं. ठीक है, तो कहता है इट इज रिलेटेड टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट. हाँ, हम लोग देखे केसी इक्वल टू क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी. ओके, तो ये एक बात ये याद रखोगे. आपको एक बात और याद होगा, पहले से आप लोग उस बात को याद किए होंगे, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन आपको पता होगा. गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या कहता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ये चीज हम लोगों ने पढ़ा था, है ना? तो इस बात को आप लोग याद रखोगे, इसे आप नोट डाउन कर लो, और इसके बाद हम लोग रिलेशन की तरफ मूव करेंगे. हाउ चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज रिलेट विथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रिएक्शन कोएफिशिएंट. तब तक के लिए थैंक यू.